मेरा नाम ऋषभ भारद्वाज है। ये फिल्म का मैं राइटर डायरेक्टर हूँ। मैंने करीब ये फिल्म एक साल तक इसकी स्क्रिप्टिंग पर काम किया हमने। उसके बाद जब इसको डिसाइड किया बनाने का, तो उसके बाद हमने 3-3.5 महीने का ऑडिशन रखे। ऑडिशन के बाद हमने 2-2.5 महीने की वर्कशॉप करी थी, और वर्कशॉप करते टाइम पे जो हमने ऑडिशंस किए थे उसमें हमने 50 लोगों को सेलेक्ट किया था 5 कैरेक्टर्स के लिए। 2.5 महीने बाद हमने उनको बताया कि इन 50 लोगों में से कौन से 5 कैरेक्टर्स हैं। 2.5 महीने तक हम करते रहे वर्कशॉप, कि जो एक कैरेक्टर के लिए जो सबसे बेस्ट कास्टिंग थी उसके लिए हमने 1 या 2 को ऑप्शन नहीं रखा था। हर कैरेक्टर के लिए हमारे पास कम से कम 7 से 8 ऑप्शंस थे। तो सारे ऑप्शंस को बाद हमने इसको फिल्म को स्टार्ट किया था, और लास्ट ईयर हमने कोई 11 अक्टूबर को फिल्म का पहला शेड्यूल स्टार्ट किया था, जो अभी लास्ट शेड्यूल जो है हमारा दीपावली के बाद जाने वाला है। ओके सर, जैसे कि फिल्म का नाम है बॉलीवुड जिंदाबाद, आजकल हर कोई जिंदाबाद कह रहा है, तो आपने किस तरह से रख दिया बॉलीवुड जिंदाबाद? बॉलीवुड जिंदाबाद इसलिए रखा है कि बॉलीवुड में बेसिकली हम सारे लोग जो हैं वो आउटसाइडर्स हैं। जो भी यहाँ आते हैं काम करने आते हैं, हम सारे आउटसाइडर्स हैं। इसलिए हम लोग मुंबई आए हुए हैं या कहीं पे भी जाते हैं, क्योंकि हमको फिल्मों से प्यार है, हमको फिल्में बनाना है, किसी को फिल्मों में एक्ट करना है, किसी को फिल्मों में म्यूज़िक देना है। तो हम सारे ही बंदे आज बॉलीवुड में बैठे हुए हैं। बॉलीवुड एक ऐसी जगह है कि जब भी देश को बॉलीवुड की ज़रूरत पड़ी है, चाहे वो कोई भी वॉर हो या कहीं पर बाढ़ आई हो या देश में कोई भी आपदा आई हो, बॉलीवुड हमेशा आगे रहा है। बॉलीवुड कई इसी भी कंडीशन में आज तक, जब पूरे देश में मंदी थी तब भी बॉलीवुड की फिल्मों ने 2000 करोड़ का व्यापार किया था। ये बड़ी चीज़ थी उस टाइम भी, जब पूरे लोग कह रहे थे नोटबंदी के बाद के देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, ये हो गया वो हो गया, उस टाइम भी बॉलीवुड की फिल्में 2000 करोड़ का व्यापार किया था। फर्स्ट टाइम था जब हमारी फिल्में 300 करोड़ से सीधा 2000 करोड़ पर पहुँची थी। तो इसलिए बॉलीवुड हमेशा से जिंदाबाद रहा है। मेरा कैरेक्टर का नाम पूजा है, एंड ये बेसिकली जो सर ने हमारे फिल्म में, जो सर राइटर डायरेक्टर है, तो मैं फिल्म में एक राइटर और एक डायरेक्टर हूँ, और मैं फिल्म बनाना चाहती हूँ। और पूरी जर्नी दिखाई गई है कि फंड्स नहीं है, और यहाँ तक कि इतना कि हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं कि रहने खाने के भी पैसे नहीं हैं, पर तभी भी हमें फ़िल्म बनानी है और लोगों से मिलना है और उनको कन्विंस करना है कि हमें अपनी फ़िल्म बनानी है। तो ये पूरी जर्नी है, और इट्स वर्थ वाइल जर्नी। मैम आप बताइए, आपका नाम बताइए दो बार, और किस तरह का कैरेक्टर आपका? मेरा नाम चांदनी शर्मा है, कैरेक्टर का नाम राधा है। ये एक स्मॉल टाउन गर्ल की स्टोरी है जो मुंबई आती है स्ट्रगल करने के लिए, और एक्टिंग करना चाहती है पर उसका डिक्शन खराब रहता है, उसकी वजह से उसे कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो इसकी स्टोरी है। और भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, सारे एक रूम में रहना, ये वो बहुत सारी स्टोरी है जो हर एक मोड़ पे स्ट्रगल करना पड़ता है, तो उसकी ये स्टोरी है, तो उससे सब निकलना जो भी है। सर आप बताइए, आपका किस तरह का कैरेक्टर है इस फिल्म में? I am Rohit Kumar, so I am playing the character of Raghu in this movie. और वो एक सिंगर है, एक म्यूजिक डायरेक्टर है, और वो एक रियलिटी शो के टॉप 10 में था, बट ही इज़ लॉस्ट इन टू लाइमलाइट आफ्टर दैट, तो ही इज स्ट्रगलिंग अगेन टू फाइंड द वर्क फॉर हिमसेल्फ। और फिर वो कैसे ट्राई कर रहा है, कैसे किन स्ट्रगल्स के थ्रू जाता है, तो वो सब इस बॉलीवुड जिंदाबाद में दिखाया है। सो The character is amazing. सर आप बताइए, शूट कितना पूरा हो चुका है, कब तक ट्रेलर इसका रिलीज होगा? हमारा फिल्म का शूट 90% कंप्लीट हो चुका है। लास्ट शेड्यूल हमारा दीपावली के बाद हम शूट करेंगे, केवल 2 दिन का हमारा लास्ट का शेड्यूल बचा हुआ है। वो हमने अभी तक क्लाइमैक्स शूट नहीं किया हुआ है, क्योंकि क्लाइमैक्स में सस्पेंस है, तो हमने इनको किसी को सस्पेंस नहीं बताया हुआ बेसिकली, तो क्लाइमैक्स में जो सस्पेंस निकल गया, इसलिए हमने पहले ही डिज़ाइन किया हुआ था कि जो हम फिल्म का क्लाइमैक्स शूट करेंगे वो हम सबसे बाद में शूट करेंगे। तो अभी दीपावली के बाद मेरे ख्याल से 2-3 और 4 को हम शूट कर रहे हैं। सर आपने फिल्म का नाम बॉलीवुड जिंदाबाद रखा है, बॉलीवुड पर आरोप भी लग चुके हैं, तो फिल्म की कहानी जो है, क्या बॉलीवुड की छवि किस प्रकार दिखाई देने, नेगेटिव दिखाई देने, पॉजिटिव दिखाई देने, कुछ बताएंगे? फिल्म की कहानी में बॉलीवुड की जो छवि जो है वो एकदम पॉजिटिव है,
बॉलीवुड में हमने जो मैंने बेसिकली ध्यान रखा इस चीज़ को कि जो भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो नहीं आए बॉलीवुड में, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब जुड़े हुए हैं। आप भी बाहर से हैं, मैं भी बाहर से हूँ, आप यहाँ से हैं, किसी न किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं। हम बॉलीवुड में काम कर रहे हैं और क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक होप है, यहाँ पे एक पॉजिटिवनेस है, इसलिए हम सारे बंदे यहाँ यहाँ पे लोग 10-10 साल स्ट्रगल करते हैं, उसके बाद भी रहते हैं, उनके घर वाले उनको बुलाते हैं फिर भी वो नहीं जाते हैं, या कुछ लोग चले जाते हैं वहाँ पे पैसा कमाते हैं, पैसा कमाने के बाद फिर बॉलीवुड में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि एक होप है, एक आशा, और आशा वहीं पर होती है जहाँ पर एक पॉजिटिवनेस हो। तो फिल्म में हमने एक बहुत हल्की फुल्की कॉमेडी है, एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है, और एक हर उस बंदे के लिए मस्ट वॉच फिल्म है ये, जो बॉलीवुड में आके काम करना चाहता है या जो फिल्मों में काम करना चाहता है, वो बॉलीवुड में हो, वो हॉलीवुड में हो, वो टॉलीवुड में हो। तो बेसिकली पूरी इंडस्ट्री की, फिल्म इंडस्ट्री की कहानी है ये, कि वहाँ पे कैसे लोग बाहर से आते हैं, कैसे लोग जुड़ते हैं, कैसे उनको काम मिलता है, कैसे काम छूट जाता है। एक टारगेट लेके आते हैं लोग कि हमें फिल्म बनाना है, हमें फिल्म में लीड एक्टर बनना है, तो उनको कितना यहाँ पे स्ट्रगल देखना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। तो फिल्म का मोटिव वो है कि सारा पॉजिटिवनेस के साथ जाए। सर, जैसे आपने कहा कि बॉलीवुड हमेशा पूरे वक्त पे खड़ा रहा है, समाज जो पूरे वक्त में आता है तो बॉलीवुड खड़ा रहता है, इसीलिए हमने बॉलीवुड जिंदाबाद नाम रखा है, बराबर जी। बॉलीवुड में पेश क्रीमी होता है और मी टू भी होता है, बहुत सारे शोषण भी होते हैं, कास्टिंग काउच भी होता है, तो इन सब चीज़ों को भी दर्शाया गया है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं दर्शाया गया है, ऐसी चीज़ों से हम बचे हैं। जब हम कोई घर बनाते हैं या कोई अच्छा घर बनाते हैं तो हम वहाँ पे जो है वो नेगेटिव चीज़ों को नहीं आने देते हैं। बेसिकली अगर मैं मेरे घर की तारीफ़ करूँगा तो मैं कभी मेरे घर की जो इनर पॉलिटिक्स है उसकी बात नहीं करूँगा मैं। तो मैंने फिल्म बनाते टाइम एक चीज़ का बहुत ख्याल रखा है, क्योंकि फिल्म देखेंगे, हमने बनाई है फिल्म, पर देखेंगे वो लोग जो बॉलीवुड का हिस्सा नहीं है, तो उन लोगों को, उनके घर वालों को जो आना चाहते हैं, उनको एक पॉजिटिवनेस मिले कि नहीं भैया, जब तुम जा रहे हो, मुंबई जा रहे हो, तो यहाँ पे अच्छे लोग भी हैं जो इस तरह काम करते हैं। तो उन लोगों के लिए दरवाजे बंद ना हो, दरवाजे खुले हों। पेज 3 जैसी फिल्म जो है बहुत अच्छी फिल्म है, नो डाउट, पर वो एक हकीकत दिखाती है, बहुत ज़्यादा तरीके की हकीकत दिखाती है उन लोगों की जो लाइमलाइट में इतने ज़्यादा रहते हैं, पर उनका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, वो पॉइंट आपको नहीं दिखाया उन्होंने, तो वो पॉइंट हमने दिखाने की कोशिश की है। आई थिंक ये हर किसी के साथ कहीं ना कहीं हुआ रहेगा, और सिर्फ हमारे फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, ये हर जगह होता है। और ये लोगों के समटाइम्स लोगों के फ्रेंडशिप में भी होता है, रिलेशनशिप्स में भी होता है। तो ये सिर्फ एक मुद्दा नहीं है जो हमारे बॉलीवुड में एग्जिस्ट करता है। और एंड आई थिंक हमारी जो इंडस्ट्री है वो इतनी ग्रेट इसके लिए है क्योंकि इतने सारे जो हम लोग दूसरे शहर से आते हैं और बॉम्बे में रहते हैं, पहली बात तो बॉम्बे में रहना एक बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में, और सर्वाइव कर जाना, एंड देन उसके बावजूद हमें यही करना है, दैट इज़ द ग्रेट थिंग ऑफ दिस इंडस्ट्री। एंड आई थिंक ये हर किसी के साथ है, एंड इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, इट्स हाउ यू टेक इट, एंड यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ, यू नो हाउ टू डील विद थिंग्स, एंड यू हैव टू मूव अहेड, एंड यू हैव टू हैव दैट बिलीफ इन योर सेल्फ। सो पहले तो हमारे को कास्ट करने के पहले और हमें सेट पे पहुंचने के 5 दिन पहले पता चला कि हम शूट कर रहे हैं 5 दिन बाद। उस पे भी कोई हमें बिलीफ नहीं था कि हम शूट करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं, कि क्या होने वाला है। एंड ऋषभ सर वाज आल्सो सीमिंग लाइक वन ऑफ दोज पीपल जो बोल रहे हैं हम फिल्म बनाएंगे पर आई डोंट नो कब बनाएंगे। तो हमारे को तो नहीं लग रहा था कि कुछ बनने वाला है, हमारे को स्क्रिप्ट रीडिंग पे मिल रहा है और हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, दैट्स अबाउट इट। बट सेट पे हमने वर्कशॉप साथ में करे, तो हम मतलब लाइक इन रियल लाइफ ऑल्सो वी ऑल बिकम लाइक फ्रेंड्स,
सो जब भी हम शूट करते हैं तो उसके पहले हम थोड़ी देर बैठ के हम साथ में ही खाते थे, साथ में ही रहते थे सेट पे, जैसे हमें यस या हाँ. सो जब भी कोई नहीं होता था तो हम लोग पूछते थे ये क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आई है. सो या एंड बाकी हमारा हमने आउटडोर शूट किया, सो दैट वाज आल्सो लॉट ऑफ फन. कभी आँख में लग गया, कभी फुटवेयर गलत था, कभी कपड़े नहीं सही थे, कभी बाल नहीं सही लग रहे, कभी हाँ मैं हॉस्पिटलाइज, हम दोनों हॉस्पिटलाइज भी हो गए, बट इट वाज अ लॉट ऑफ फन, इट वाज वर्थ वाइल, हमें मजा आया. बस सेम ही स्टोरी, सेम साथ ही में थे, स्टार्टिंग में हमने साथ में किया, वर्कशॉप करा, फिर स्क्रिप्टिंग पे हम लोग ने सारे बहस किए, बहुत कुछ किया, होने के बाद में फिर हम लोग ऑन फ्लोर पहुंचे, फिर वहां पर भी बहुत कुछ चला. यहां पर तो बहुत ही अच्छा था जब हम लोग शूट कर रहे थे, लेकिन जब हम लोग चंडीगढ़ गए, ओह माय गॉड, उतनी ठंडी में और बिना जैकेट का, और हम लोगों ने सब मिलकर शूट किया, मैं भी बेहोश हो गई, ये भी बेहोश हो गए, पता नहीं क्या क्या हुआ, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग रहा. उसके बाद ही फाइनली फिल्म हुई, वहाँ पे कंप्लीट करा हम लोगों ने जैसे वैसे. सब लोग हमारे फिल्म में बहुत डेडिकेटेड हैं, सब ने बहुत अच्छे से काम किया, सब बहुत एफर्ट लगाए हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी बंदा नहीं था जिसने एफर्ट नहीं लगाया, मेहनत बहुत की. सर आपसे जानना चाहेंगे प्रोड्यूसर, इस फिल्म का प्रोड्यूसर कौन था, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें, और एक दिलचस्प आपसे वाकया जानना चाहेंगे कि ये लोग सब टाइम पे आते थे सेट पे, कोई परेशान तो नहीं करता था, या फोन पे लगे रहना, बॉयफ्रेंड के साथ लगे रहना, ऐसा ऐसा कोई नहीं? नहीं मैं बताता हूँ, सच बोलना है बॉयफ्रेंड सच बोलना है नहीं, हम ऋषभ सर से परेशान थे. बेसिकली फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स जो हैं विशु जी है, उनका पूरा नाम विशु बहादुर है, और वो इंडस्ट्री के जाने माने फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं. उन्होंने करीब 100 के ऊपर फिल्म्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की हुई हैं. कलकत्ता के जाने माने फिल्म वितरक हैं वो, और ऑल इंडिया में जो जुरासिक पार्क जो फिल्म आई थी वो उन्होंने ही ऑल इंडिया में की हुई थी. उसके अलावा भी उन्होंने ढेर सारी फॉरेन की फिल्में इंडिया में लेके आए हैं बेसिकली. तो करीब 2 साल पहले हम किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, पर वो प्रोजेक्ट क्योंकि अब्रॉड का था तो वो प्रोजेक्ट इतनी जल्दी जा नहीं रहा था फ्लोर पे, तो हमारे पास 1 साल का टाइम था उसके लिए. तो बिशु सर ने मुझे कहा कि तुम 1 साल के अंदर कोई ऐसी कहानी बनाओ जो यंगस्टर्स को लेके हम बना सकें, और ये तुम्हारा टाइम जो है गैपिंग भी इतना चला जाएगा, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि 1 साल में करूँगा क्या, फ्री तो बैठूँगा नहीं मैं. तो उन्होंने मुझे कहा तुम छोटी एक कहानी बनाओ जो यंगस्टर्स को लेके बनाएं. तो मैंने करीब 7 या 8 दिन में ये कहानी लिखी पूरी, कंप्लीट स्क्रिप्ट 8 दिन में मैंने पूरी स्क्रिप्ट करी. 8 दिन तक मैं घर से नहीं निकला, रूम से नहीं निकला. स्क्रिप्ट करने के बाद जब मैंने उनको फर्स्ट ड्राफ्ट सुनाया तो उन्होंने कहा फाइनल है ये, हम करने वाले हैं, क्योंकि उसके पहले 2 कहानी और जो वन लाइनर डिसाइड की हुई थी तो वो बनी नहीं थी. पर ये कहानी जब मैंने उनको बिगनिंग टू एंड सुनाई तो उन्होंने कहा कुछ चेंजेस है. मैंने सर इसमें कोई चेंजेस नहीं है, पहले ये कहानी जो थी, पहले ये बेसिकली 4 बडीज़ की कहानी है, तो पहले मैं इसको युवा जैसा 4 अलग अलग कहानियाँ बना के लास्ट में उनको एक जगह लाने वाला था. पर सर ने मुझे सजेशन दिया कि तुम उनको पहले ही एक स्पॉट पे ले आओ जिसमें उनकी जो फ्रेंडशिप जो है आगे तक नजर आए. फिर मैंने वापस कहानी पे काम किया, हमने स्टार्ट किया, और फिर ऑडिशन से स्टार्ट किए. ऑडिशंस के बाद सारी चीज़ें करी, फिर जितने भी हमने करी 50 के आसपास जो आर्टिस्टों को शॉर्टलिस्ट किया हुआ था, क्योंकि मुझे जो कैरेक्टर चाहिए था वो बेसिकली वही चाहिए था जो रियल लाइफ में है. मुझे वो वैसे एक्टर्स नहीं चाहिए थे जो ना मतलब अपने अंदर एक जो नाटकीयपन दिखा रहे हैं जो प्लास्टिक्स हैं. तो करीब हमने 50 आर्टिस्टों को शॉर्टलिस्ट किया, उनके साथ हमने 2.5 महीने तक वर्कशॉप की. मेरा ब्रदर खुद कास्टिंग डायरेक्टर है, तो हर एक बंदे को लगता था मैं कैरेक्टर, मैं फिल्म में हूँ. जहाँ भी उनका जोश कम होता था तो हम पीछे उसे बोलते थे दूसरा आगे बाजी मार रहा है. तो जो बिग बॉस का जो अंदर का आप जो गेम जो देखते हैं कि बोलते हैं कि बने रहने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सेम हुआ. फिल्म स्टार्ट होने के 8 दिन पहले हमने बताया आप और आप फाइनल हो, ये डेट से शूट स्टार्ट है और अभी आपके कॉस्ट्यूम्स ट्रायल होंगे. और जब फिल्म में ये लेट आने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि हमको घर ही नहीं जाने देते थे, सेट पे ही रहो, जो करना है सेट पे करो, जहाँ भी जाना है सेट पे करो. मोबाइल्स किसी के अलाउड नहीं थे, कोई आपको किसी भी आर्टिस्ट के मोबाइल में किसी चीज़ में फिल्म की आपको एक हमने फ़ोटो भी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट रूल थे वहाँ पे. तो फिल्म अगर हम 12 घंटे शूट कर रहे हैं तो 12 घंटे आप काम करो, 13वां घंटे में आपको जिससे मीटिंग करना है जो करना है वो करो, पर सेट पे आपको एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा जो स्ट्रिक्ट रूल था. चाहे आप यहाँ शूट करो
चाहे चंडीगढ़ शूट करो, चाहे आप शिमला शूट कर रहे थे जब वहाँ पे स्नोफॉल हो रही थी, जब ये सब बेहोश गिरते जा रहे थे क्योंकि बर्फ में, वहाँ पे एक ही रूल था भाई आपको 12 घंटे की अगर शिफ्ट है तो 12 घंटे आपको प्रॉपर काम करना पड़ेगा। सर अगर रिलीज की बात करें तो कब तक रिलीज होने की संभावना है? इसका रिलीज हम जनवरी में प्लान कर रहे हैं बेसिकली। अभी कैलेंडर देख के हमने जनवरी की ड्यू डेट्स फाइनल की हुई है, जनवरी या फेब में, क्योंकि आजू बाजू बड़ी फिल्में आ रही हैं तो उनको देख के भी करना पड़ेगा। वैसे हम सोच रहे हैं कि इसका जनवरी और फेब के बीच में हम इसको प्लान करेंगे। और अगर निर्देशक बात करें तो किस तरह की रणनीति आप आगे देख रहे हैं, किस तरह की रणनीति पे आप आगे काम कर रहे? अभी तो ये पहली फिल्म है तो हम तो सारे ही बंदे, क्योंकि सबकी पहली फिल्म है तो सारे जी जान लगाए हुए हैं, तो दूसरा इनको भी अभी तक एक साल से किसी ने दूसरा काम नहीं किया हुआ है, इन्होंने अपने बाल बढ़ाए हुए थे तो जस्ट अभी इनका पार्ट खत्म हुआ उसके बाद इन्होंने अपनी कटिंग करवाई हुई है, वरना एक साल तक इन्होंने अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन की हुई थी पूरी। तो ये सारा हमने एग्रीमेंट्स में लिखा हुआ था कि स्ट्रिक्ट रूल्स थे कि जब तक फिल्म कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक आप अपनी कंटिन्यूटी नहीं मिटाओगे, चाहे आपके बाल कैसे भी हों। तो जस्ट अभी इसने अभी 4 दिन पहले भी बाल कटवाए हुए हैं। एक साल तक सर मैं कहीं ऑडिशन नहीं दे पा रहा हूँ सर, कोई दूसरा काम नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने कहा पहले एक कैरेक्टर पर फोकस करो फिर दूसरा काम करना, तो सिंपल सा पैटर्न था कि भाई एक वक्त पे एक काम। प्रीति आगे बतौर अभिनेत्री आप किस तरह की फिल्में मतलब करना चाहती हैं, क्या क्या आपका चॉइस है? फर्स्टली आई एम वेरी ब्लेस्ड टू डू दिस प्रोजेक्ट बिकॉज आई थरली बिलीव इन इट, तो एंड दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंट एंड वेरी क्लोज टू ऑल आर हार्ट्स बिकॉज हमने हमारे फिल्म में जो भी दिखाया गया है वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमने जिया है उसको एक्चुअली। इनफैक्ट अभी भी जब हम कुछ बात करते हैं, कभी ऑडिशन के करते हैं या कभी सर कुछ फिल्म को लेके बात करते हैं, तो लगता है कि कुछ एक फिल्म का डायलॉग ही दे रहे हैं बिकॉज हमारे सीन्स ऐसे हैं। मुझे कंटेंट करना है, गुड सिनेमा करना है, सिनेमा विच हैज़ मीनिंग एंड आई थिंक जो ऑडियंस अपने साथ अपने दिल में रखेगी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। फिल्म की कहानी और आपकी रियल कहानी दोनों एक जैसी लगती है, फिल्म में भी आप एक फिल्म बनाना चाहती हैं, रियल में भी आप मुंबई में अभिनेत्री बनने एक्टर बनने आई हैं। हां जी। तो इतने मतलब ज्यादा एक्टर्स थे, लगभग 2-3 हज़ार एक्टरों के बीच में आपको काम मिला है और आपने मौका पाया, अब आपका वो सपना साकार होता दिख रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे न्यूकमर्स के लिए, मुंबई में सपना रियल में साकार होता है? आई थिंक अगर आप बिलीव करते हो कि ये होना ही है मेरे साथ एंड कुछ भी हो जाए मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ एंड आई एम डेडिकेटेड टू इट विथ ऑल माई ऑनेस्टी, तो वो होना ही है, आज नहीं तो कल होना ही है। एंड आई थिंक या दैट्स व्हाट टेक्स यू फॉरवर्ड। और कैसा लग रहा है अभी, इतनी एक्साइटमेंट है ही नहीं, इतना हमें निचोड़ दिया गया है। अगर ये जैसे हम एक महीना शूट करते और 2 महीने बाद रिलीज होती तो हम बहुत उछल कूद कर रहे होते, लेकिन हमारे को ऋषभ सर ने निचोड़ दिया है, हमें को हमें परेशान कर दिया है। अभी हम चाह रहे हैं कि हम जल्द से जल्द अपने आप को देखें। कैसा लगे? आई थिंक वो अभी भी कहीं ना कहीं मैं इनफैक्ट इनको उसी दिन बोल रही थी, हमारे फिल्म में डायलॉग है सच में हम भी दिखेंगे बड़े पर्दे पे, तो वही कह रही थी। तो अभी तक इतना आई थिंक जब हमें हम अपने आप को देखेंगे तभी बिलीव हो पाएगा। और क्या जब ऑडिशन देके आई थी तो ऐसा लगा था कि आप इस फिल्म के लिए सिलेक्ट हो पाएंगे ऐसा? उसके बाद बहुत लंबे चौड़े वर्कशॉप्स चल रहे थे तो तभी हमें लग रहे थे कि पता नहीं क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, बट आई थिंक आई वाज जस्ट ब्लेस्ड टू डू दिस एंड दैट्स आई एम थैंकफुल टू गॉड। ये मुझे जब एक्चुअली जब हमारी वर्कशॉप चल रही थी तो वहाँ पे मेरा ऑफिस था ओल्ड माड़ा में, जहाँ पे नीचे हमारा थिएटर था विजय सेन, वहाँ पे सारे 40 बच्चों की रोज़ सुबह से इनको 10 बजे से बुला के रात में 10 बजे तक इनकी रीडिंग्स करवा रहे हैं, स्क्रिप्ट की रीडिंग करवा रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं। और हर एक बंदा जब निकल के जाता है तो बाहर में खड़ा रहता, तो कई बार मुझसे पूछते थे सर मैं ही कर रहा हूँ ना ये करेक्टर, सर मैं ही कर रहा हूँ ना, मैं कहता था यस तुम ही कर रहे हो, रुक जाओ अभी जरा, सर कब तक पता चल जाएगा मुझे घर पे बताना, सर मैंने कहा रुक जाओ अभी रुक जाओ। रोहित वहाँ पे मेरे ब्रदर का असिस्टेंट था और सारी जो वर्कशॉप जो लेता था वो यही लेता था, तो लोगों का आना जाना कैसे कौन किस टाइम पे आ रहा, और ये आके बताता था सर ये नहीं आया ये नहीं आया। अच्छा इस टाइम मैंने रोहित को पूछा था तुम क्या करने आए हो, तो उसने मुझे कहा था सर मैं एक्टर बनने आया हूँ, पर मैंने कहा कास्टिंग में क्यों, कि सर सीखने के लिए।
उनका ठीक है, ये सबसे लास्ट बंदा था जिसको शूट के दो दिन पहले बताया था कि तुम एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो। शूट स्टार्ट हुआ 11 अक्टूबर को एंड आई वाज फाइनलाइज्ड ऑन 6th ऑफ अक्टूबर, 4 दिन पहले मुझे पता चला मैं फिल्म कर और कोई नहीं, उसके बाद इसको सडनली घर पे बुलाया और बुला के रोहित एक जो कैरेक्टर जो है ना जिसका तूने है, इसको पूरे फिल्म के डायलॉग याद थे, पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट याद थी, इसको बोला कि सिर्फ एक लुक दे दे, अपना लुक टेस्ट दे दे, और लुक टेस्ट देने के बाद हमने सबसे 10 मिनट में ही कास्टिंग की थी फाइनल, 10 मिनट 15 मिनट में इसकी कास्टिंग फाइनल की थी। और जब हमें पता चला तो बोला ये कर रहे हैं, ये फिल्म करने वाला है, ऑडिशन लेने वाला। सारे के सारे बंदे उस टाइम वो हुए थे कि अच्छा अच्छा ये अच्छा अच्छा हमारी फिल्म में जो कैरेक्टर्स जो है, जैसे इसका जो इंडिविजुअल जो कैरेक्टर है, या जो चांदनी का जो कैरेक्टर है, या जो प्रीति का जो कैरेक्टर है, या एक लड़का रेहान उसका जो कैरेक्टर है, बेसिकली सारी चीज़ें क्या है कि एक एक कैरेक्टर जो है उन लोगों को डिफाइन करता है जो रियलिटी शोज जो 7 साल 8 साल पहले जिन्होंने रियलिटी शोज करके आए थे और जब टॉप 10 में थे, उसके बाद आज उन बंदों का पता नहीं है। जब रियलिटी शोज इतने टाइम चल रहा था सिंगिंग रियलिटी शोज टाइम तो वो टॉप पे थे, पर आज उनका कोई पता नहीं है, आज वो बंदे कहाँ हैं किसी को उनकी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। तो एक बंदा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रीति जो रिप्रेजेंट कर रही है वो है कि एक लड़की है, एक फीमेल डायरेक्टर है, और फीमेल डायरेक्टर को फिल्म बनाना है, तो कैसे कैसे प्रोड्यूसर्स से मिलती है, उसको क्या क्या बोला जाता है, क्योंकि वो एक लड़का होती एज अ डायरेक्टर आती तो बात एक अलग थी, पर वो एक लड़की और एज अ डायरेक्टर आ रही, राइटर भी आ रही, तो उसको कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और स्ट्रगल उसका जब और बढ़ जाता है जब उसके पास पैसे नहीं है, इवन उसके पास घर का रेंट देने के पैसे नहीं है, तो उसका स्ट्रगल और बढ़ जाता है। चांदनी का जो कैरेक्टर है वो उनको रिप्रेजेंट करता है, जो बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऑडिशन के लिए आते हैं जिनका डिक्शन ठीक नहीं होता, जिनको एक्टिंग नहीं आती, जो घर पे रहने के सामने या कोई थिएटर में छोटा सा जो स्टेज पे या स्कूल में परफॉर्म देते हैं, उसके बाद लोग उनको बोलते हैं कि यार तुम तो हीरो जैसे लग रहे हो, तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। जब मुंबई आते हैं तब पता चलता है कि भैया डिक्शन नाम की भी एक चिड़िया होती है, जो एक्टर बनने के लिए आपको करना पड़ता है, एक्सप्रेशन भी कुछ होते हैं। तो एनए के सामने घर पे खड़े होकर सारे शाहरुख खान के डायलॉग बोल के जो ट्रेन में बैठते हैं तो सोचते हैं अब जाके मैं सीधा यशराज में जाऊंगा और सीधा यशराज मुझे साइन करेगा, यहाँ के उनको हकीकत पता चलती है बेसिकली। इसलिए आधे बंदे यहाँ पे स्ट्रगल करने के बाद 80% लोग 2 साल 3 साल 4 साल में घर वापस लौट जाते हैं। तो फिल्म के ए तू जाकर के घर में इतना बड़ा बड़ा बर्तन मांज ले वरना हम तुम्हें निकाल देंगे। रघु सुन रहा है कि नहीं, इंटरव्यू में भी बर्तन मंजवा रही है, फिल्म में भी बर्तन मंजवा और पोछा भी और सब, हमारा पूरा घर इन्होंने ही साफ सफाई, हमने इतने इतना बड़ा बड़ा काम करवाया इससे। My name is Melinda Michael. I am here in India with a lineup of a few different film projects that we'll be shooting. One with Jackie at the end of the table, and that he's directing and producing as well. Previously worked in television for a few different Netflix shows, CW Network, and excited to get on board with these projects now in Bollywood. Entire casting? Yes. Okay. I'm Rishik. I'm casting director. मैंने काफ़ी सारी फिल्में एड फिल्म और टी वी शोज किए हैं, शनि राधा कृष्ण और भी बहुत सारे, अभी भी मैं फिल्म कर रहा हूँ साबिर खान डायरेक्टर जिन्होंने हीरोपंती बागी मुन्ना माइकल फिल्म की थी, उनकी नई लेटेस्ट फिल्म आ रही निकम्मा, वो भी कास्ट कर रहा हूँ। जब हम लोग बॉलीवुड जिंदाबाद पे काम कर रहे थे, सो बॉलीवुड जिंदाबाद की कहानी एक ऐसी है कि यहाँ पर हमको फ्रेश एक्ट्रेस ही चाहिए थे कि वो फेसेस पहले देखे ना गए ताकि ऑडियंस उनसे कनेक्ट हो सके। तो सबसे पहले तो कास्टिंग में ज़रूरी होता है कि आपको स्टोरी और कैरेक्टर्स दोनों मैच खाने चाहिए, कि आपकी स्टोरी कुछ और है और आप कैरेक्टर कुछ और कास्ट कर रहे हैं तो वो बिल्कुल अलग अलग हो जाता है, मैच नहीं होती स्क्रीन पे। तो बॉलीवुड जिंदाबाद की जब कास्टिंग हुई कर रहे थे हम लोग और
स्क्रिप्टिंग के दौरान ही ये डिसाइड हो गया था कि हम लोग कैरेक्टर्स को कैसे कास्ट करने वाले हैं। तो ड्यूरिंग जब कहानी लिखा रही थी उसी समय हमने कुछ एक्टर्स को लेकर वर्कशॉप स्टार्ट कर दिया था। तो जैसे जैसे हमारी स्क्रिप्टिंग हो रही थी वैसे वैसे हम लोग कास्टिंग पर भी काम कर रहे थे। उन एक्टर्स में से ही फिर हम लोगों ने फाइनल चार फेसेस लिए कि ये इन चार फेसेस के साथ हमारी स्टोरी सबसे अच्छी जा रही है। इनका मैं अभी ज़्यादा रिवील नहीं कर सकता, बट हम उसमें एक इंटरनेशनल चैट शो दिखा रहे हैं जहाँ पर हमारी फिल्म की जो मेन लीड है वो उनकी एक फिल्म जो है वो ये बॉलीवुड जिंदाबाद जो उन्होंने फिल्म बनाई है मोबाइल पर ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गई है, वहाँ पर इसको अवार्ड मिला है। वहाँ पर एक हम चैट शो दिखा रहे हैं जो अमेरिका में होता है चैट शो, ड्यूरिंग आपकी फिल्म आई है आपको पता होगा कि वो पूछते हैं कि इस फिल्म के बारे में बताइए, तो वहाँ पर ये लड़की अपनी कहानी रिवेल करती है। तो ये एंकर रहेंगी उस चैट शो की और हमारी जो एक्ट्रेस है प्रीति मैले वो इस फिल्म वो बताएंगी कि कैसे कैसे उन्होंने इस फिल्म बनाई है। सर आप बताइए, सर फिर आपका नाम बताइए और किस तरह से आप मिले। मेरा नाम अविनाश कुमार गुप्ता है, मैं काफ़ी टाइम से जो फिल्म के डायरेक्टर हैं मिस्टर यूसुफ इनको काफ़ी टाइम से जानता हूँ, मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। मेरा जो बाय प्रोफेशन है आई एम वेरी मच वेल कनेक्टेड विद द बॉलीवुड इंडस्ट्री एंड द फिल्म एज वेल एज द एक्टर एंड एक्ट्रेसेस, बिकॉज मेरा जो प्रीवियस बैकग्राउंड रहा है विद द लास्ट 7 ईयर्स, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि बहुतों को मैंने लॉन्च भी किया है, बहुतों को अपॉर्चुनिटी दी भी है, दिलाई भी है, और मैं सेलिब्रिटीज लोगों के साथ कई तरीके से जुड़ा रहा हूँ। ये मेरे लिए ये एक फर्स्ट फिल्म है जिसमें इन्होंने मुझे मौका दिया है एंड आई वाज वेरी मच एक्साइटेड, आई एम डैम एक्चुअली एक्साइटेड अबाउट द मूवी। आई वांट टू डू समथिंग द कैरेक्टर, बेसिकली आई एम अ फॉन एंड अ फैन ऑफ मिस्टर सलमान खान एंड मिस्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एक कीड़ा है ऐसा एक्टिंग का कि मैं एक किसी कंटेंट को लेकर किसी अच्छे करेक्टर को लेकर के एक बोल्ड अच्छे सीन्स कर सकता हूँ, अच्छा एक्टिंग कर सकता हूँ और एक अपनी नई पहचान बना सकता हूँ। बाकी चीज़ें तो मेरे साथ में बहुत सारी चीज़ें चल रही है लाइफ में, बट अभी मेरा जो फोकस है वो अभी इस फिल्म के माध्यम से जो ऋषभ ने मुझे ऑफर दिया, आई रियली थैंक्स टू मिस्टर ऋषिक एंड मिस्टर ऋषभ दैट दे हैव गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क एंड विद अ वेरी वेरी गुड कैरेक्टर इन दिस पर्टिकुलर फिल्म इटसेल्फ। नहीं, हमारा कोई बोल्ड सीन नहीं है ऐसा, बट कैरेक्टर बोल्ड जरूर है जो मुझे बताया गया है। आई एम नॉट वेरी मच यू नो आई कैनॉट से यू मच अबाउट द फिल्म और अपने कैरेक्टर के बारे में, लेकिन ये मैं आपको जरूर बता सकता हूँ कि जहाँ मूवी की बात है, क्योंकि मूवी आज जो भी एक आर्टिस्ट करता है उसके दो तरीके होते हैं। आर्टिस्ट एक अपने आप को इस फिल्मी दुनिया में अपने आप को एक अपने कैरेक्टर के थ्रू, अपने एक्टिंग के थ्रू अपने आप को एक पर्सनालिटी, अपना पर्सोना को निखारना चाहता है, साथ ही साथ अपना नाम बनाना चाहता है और अपनी एक पहचान बनाना चाहता है। तो मैं अपनी पहचान भी बनाना चाहता हूँ और अपने कैरेक्टर को इस लेवल पर इस तरीके से बनाना चाहता हूँ कि लोग मुझे भी सालों साल तक याद रखें। मेरा नाम जैकी पटेल है, मैं अहमदाबाद से हूँ। बेसिकली आई एम फिल्म डायरेक्टर राइटर प्रोड्यूसर, मेरा खुद का प्रोडक्शन है और मैं यहाँ आ रहा था शुभकामनाएं देने मेरे मित्र है ऋषभ जी और जी, बहुत बहुत उनकी जो फिल्म है बहुत बहुत आगे बढ़े और जैसा इनका नाम है जिंदाबाद बॉलीवुड, मैं चाहता हूँ कि उनकी फिल्म भी झंडे गाड़ दे और जिंदाबाद जिंदाबाद बॉलीवुड जिंदाबाद हो जाए। सर आपको बताना चाहिए एक तो नवाज जी है वहाँ पर बेसिकली हमने मेरी फिल्म में ढेर सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो एक एक चीज़ को ना जब आप फिल्म को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये बेस्ट कास्टिंग है। जो आप जिनसे आप मिलते हो ऑफिसों में, कई ऑफिसों में आप मीटिंग करने जाते हो, कई लोगों का इंटरव्यू लेने जाते हो, कई एक्टरों को आप पर्दे पर देखते हो। हमारे DOP आए हुए सर, तो वो सारे कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे। कई प्रोड्यूसर्स ऐसे रहते हैं जो राइटर्स के सामने एक DVD रख देते हैं और बोलते हैं कि मुझे इसके जैसी फिल्म बना के दो। कई लोग ऐसे रहते हैं जो बोल देते हैं कि नहीं अभी तो ये नहीं चल रहा मार्केट में, इसमें थोड़ा सा सेक्स डाल दो या इसमें ये कर दो। कोई बंदे म्यूज़िक डायरेक्टर रहते हैं तो वो म्यूज़िक की आराम से कोई हॉलीवुड की एक फिल्म का आपको ला के देते हैं कि इसके जैसा म्यूज़िक बना लो, इसके जैसा एल्बम बना लो। तो सारे कैरेक्टर्स आपको वैसे ही मिलेंगे। कुछ ऐसे रहते हैं जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है पर वो 10 रुपये खर्चा नहीं करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपनी जेब से 100 की जगह 500 रुपये भी निकाल देते हैं, अपना सामान भी बेच देते हैं। तो यहाँ हर टाइप के बंदे हैं, हर टाइप के बंदे हैं। ये बॉलीवुड है, यहाँ पर ये पूरा आपको दुनिया का एक जैसे गीता का सार जो होता है ना बेसिकली, जो वैसे ही मेरी फिल्म जो है वो बॉलीवुड का सार है एक। सर आपको
कि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिलेगी और ये मस्ट वॉच फिल्म रहेगी। जब आप देखोगे तब आप खुद इस चीज़ को कहोगे कि उन लोगों के लिए फिल्म ये मस्ट वॉच रहेगी जो बॉलीवुड में आके काम कर रहे हैं या जो बॉलीवुड में जब काम करेंगे। जब आप फिल्म देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये मेरी ही कहानी, हाँ ये मेरी ही कहानी, अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ, अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ, पर वो एक कॉमिक सेंस में। तो